आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि 16 वस्तुओं में से 8 को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उनमें से 8 एक समान तथा 8 अलग अलग हों। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए, हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, कुल 16 संख्याएं हैं, ठीक है, 16 वस्तुएं हैं, ठीक है, 16 वस्तु हैं। अब इसमें से जो हमारे पास 8 वस्तु हैं, 8 वस्तु जो है वो कैसी हैं, समान हैं, 8 वस्तु समान हैं, और जो दूसरी 8 वस्तु हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग। तो देखिए, अब ये दो ये होगी 8 वस्तु हमारी अलग अलग हो गई और 8 वस्तु जो है समान है, लेकिन हमें कितनी लेनी है, हमें 8 वस्तु लेनी है, ठीक है। अब देखिए, 8 वस्तु लेने के लिए मैं कैसे यहाँ पर शुरुआत करूंगा कि 8 वस्तु कैसे चुनी जाएंगी। मान लीजिए मैंने 8 की 8 वस्तु जो है वो समान ले ली, तो 8 के 8 समान लेने का मतलब क्या होगा मेरे पास, वो ये होगा कि वो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका होगा कि 8 में से ले लो पूरी की पूरी, मतलब 8 की 8 ले ली मैंने, तो वो और सभी की सभी समान है इसलिए वो एक ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे प्लस, दूसरा मेरे पास आएगा कि 8 में से तो मैंने 7 ले ली, लेकिन इन 8 में से मैंने एक ले ली, तो 8 का एक युग्म बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक गुणा 8 सी 1, इस 8 में से एक ले ली मैंने, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आगे कि मान लो यहाँ पे इसमें से हमने 6 ले ली और यहाँ पे जो है इसमें से 2 ले ली, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 गुणा 8 सी 2, प्लस ऐसे ही हम चलते चलेंगे यहाँ पर, तो 1 गुणा 8 सी 3 हो जाएगा। तो ये हल होते होते आगे चला जाएगा, 8 सी 3 से लास्ट में पहुंच जाएगा 1 गुणा 8 सी 8 की 8ों की 8 इसमें से ले ली और इसमें से हमने 0 ली, तो मेरे पास ये पूरा इस तरीके से समुच्चय बन गया। अब देखिए, इसको मैं हल करता हूं यहाँ पे, देखो 1 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 8 सी 1 8 सी 2 8 सी 3, और ये हल होते होते यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये आ जाएगा 8 सी 8। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि हमें एक सूत्र पता होता है कि अगर हम NC0 NC1 प्लस अगर हम जाते हैं यहाँ पर कि NCN तक अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2 की घात n बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये 2 की घात 8 बन जाएगा, क्योंकि इस 1 को 8C0 लिख देंगे आप, तो ये 2 की घात 8 बन जाएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 की घात 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।